तो आज का केक तो मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्लूबेरी केक, जो कि मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये मेरे 250 ग्राम्स का केक था, तो मैंने फटाफट स्पॉन्ज लिया, उसको 2 टीयर में कट किया, 2 लेयर्स में मतलब कि, और फिर उसको अच्छे से सोक किया हमने। और मेरे पास ब्लूबेरी क्रश रखा हुआ था, फटाफट से मैंने उसको यूज़ करके अपना केक बनाया। और ये आप देख सकते हैं, मैंने जब से पिपिंग बैग बड़ी वाली बनाई है, मुझसे तो एक हाथ से कुछ चलता ही नहीं, क्योंकि मेरी छोटी वाली पकड़ने की आदत थी, तो मेरे दोनों हाथ इसी में लग जाते हैं भाई। ये देखिए, फटाफट से मैंने क्रीम निकाली और बराबर से इसको अच्छे से क्रम कोट कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें डाला ब्लूबेरी क्रश, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मेरा बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने छोटी वाली बॉटल मंगाई हुई थी ब्लूबेरी क्रश की। और ये देखिए, मेरी बेरीज तो अंदर रह गई, उसका क्रश सारा बाहर आ गया, और इतना ज़्यादा क्रश उसका बाहर आ गया, आप देख सकते हैं, एकदम वो फैलने लगा था। मैंने सोचा ज़्यादा ये फैले इससे पहले, जो मेरी लास्ट लेयर है उसको फटाक से इसके ऊपर रखते हैं। तो फटाफट से मैंने इसको बराबर किया ताकि पूरे केक में फ्लेवर्स आने चाहिए। उसके बाद मैंने फटाक से अपनी लास्ट लेयर रख के फिर फटाफट से इसको भी सोक करना रहता है, तो मैंने इसको अच्छे से सोक किया। ये देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया से एकदम सोक करना है। साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा ही सोक करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ब्रेड, बीच का तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, इसलिए आप लोग खुद ही देखेंगे मैंने साइड साइड में थोड़ा ज़्यादा वाटर यूज़ किया और बीच में बहुत कम सा। और फटाफट से इसकी हमने क्रम कोटिंग करना स्टार्ट कर दी। और आज हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आपकी प्रॉपर आइसिंग नहीं आ रही, क्रम कोटिंग के क्रम्स दिख रहे हैं, तो आप उसको कैसे कवर करें, क्या डिज़ाइन बनाएं, कैसे आप उसको छुपा सकते हैं, तो ये मैं फुल दिखा रही हूँ। और ये मेरा इतना छोटा सा केक था, मेरी बेस प्लेट ही छुप गई, ये देख सकते हैं। मैंने इतनी मुश्किलों से इसको मैनेज किया, मैं छोटे केक में दिखने में तो इतने प्यारे लगते हैं, पर उनकी डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये देख सकते हैं, मैं जितना भी उसको करूं, क्योंकि बाहर कुछ बेस उसकी प्लेट बची ही नहीं थी, छोटे वाले केक में यही प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए, फटाफट से मैंने पैलेट नाइफ पकड़ा और उसको एकदम शार्प करने लग गई, और जितना भी आप कर लो, क्योंकि उसमें बेस प्लेट थी ही नहीं, तो इतना क्रम कोटिंग क्लियर नहीं आ रहा था। तो हम आपको दिखाएंगे कि मैंने क्रम्स छुपाने के लिए क्या डिज़ाइन की, कैसे क्या कवर किया, फुल वीडियो देखिएगा। ये जितने भी क्रम्स मेरे दिख रहे हैं ना, ऐसे तो दिखने में केक अच्छा लगेगा नहीं, पर हम आपको बताए थे ना, मैं सारे जुगाड़ बताऊंगी, अगर आप प्रॉपर क्रम कोटिंग नहीं कवर कर पा रहे, फाइनल आइसिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या करना। वैसे मेरे से तो हो जाती, पर इस टाइम पे उसके अंदर बेस प्लेट थी ही नहीं, पर मैं क्या करती, इसलिए जो ऊपर का भी अगर आपका डिज़ाइन ना कवर हो पाए, तो आप ऐसे ब्रश उठाइए और पूरे में कर दीजिए। नीचे वैसे नीट तो नहीं थी, पर मैंने सोचा ब्रश उठा ही लिया तो चलिए नीचे भी कर ही देते हैं इसको। फिर मैंने फटाक से ऊपर फ्लावर्स बनाए, एक्चुअली ये ब्लूबेरी केक था, तो ब्लू कलर के फ्लावर्स इसके ऊपर जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, कितने बढ़िया से मैंने फ्लावर्स इसके ऊपर बनाया। और मेरी काफ़ी ज़्यादा क्रीम बन गई थी, बच रही थी, तो मैंने इसके ऊपर डबल डबल फ्लावर्स बना दिए, क्योंकि कलरफुल क्रीम स्टोर करना भी बहुत हार्ड रहता है। ये देख सकते हैं आप लोग, और ये देखिए, आप लोग सोचेंगे कि इतने ज़्यादा मेरे क्रम्स दिख रहे, फिर भी मैं ये कौन सी डिज़ाइन कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या ही केक बना रही हूँ, पर आप मेरी फुल वीडियो देख के जाइएगा, मैंने कैसे इसको कवर किया, क्या किया है, आप फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे आपको अपने क्रम्स को छुपाना, कैसे डिज़ाइन करनी है। फटाक से मैंने अपने पैलेट नाइफ को क्लीन किया और डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। और आपके जितने क्रम्स दिखे वहाँ तक कि आप इसको डिज़ाइन के लिए जा सकते हैं, और जहाँ पे लगे आपको कम क्रम्स दिख रहे हैं, आप वहाँ पे थोड़ी फिलिंग करिए, और जहाँ पे लगे आपको ज़्यादा क्रम्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग करिए। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा हो रहा है, ये देख सकते हैं, पूरे बेस में मैंने ऐसे ही कर दिया, और मेरा केक का लास्ट लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ स्प्रिंकल्स निकाले,
ब्लू कलर के, और मैंने टैग भी लगाया था हैप्पी बर्थडे का, शायद वो फोटोज़ कवर नहीं हो पाई, पर जितनी कवर हुई मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने ब्लू कलर के स्प्रिंकल्स भी डाले, जो मेरी ब्लू कलर की क्रीम बन गई थी। इसके भी हमने ऊपर फ्लावर्स बना दिए हाइड्रेट वाले, ये देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फ्लावर्स बन गए थे। इसके बाद हमने स्प्रिंकल्स यूज़ किए, ये देखिए। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये देखिए फटाक फटाक से जितनी भी क्रीम यूज़ हो पा रही थी, मैं फटाफट से उसकी स्टार टाइप से और भी डिज़ाइनिंग कर रही थी। और चलिए अब इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स लगाते हैं। ये देखिए मैंने सिर्फ ब्लू कलर के स्प्रिंकल्स लगाए, ये देख सकते हैं आप लोग। एक एक ब्लू कलर का ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर जितने मुझे स्प्रिंकल्स मिले मैंने सारे इसके ऊपर सेटअप कर दिए। और लास्ट की मैं वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, मैंने फ़ोटोज़ दिखाई हुई है कि कैसा हमारा केक बना। तो फ्रेंड्स फाइनली ये रहा मेरा केक। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। बाय बाय।